environmental sociology topic 99 the case of water privatization water stress is when the rate of consumption exceed the available supply water is a precious resource this is not a commodity available water resources go जब जरूरत से ज्यादा यूज किया जाता है कि जितना वाटर की कंजम्पशन है उतना वाटर का रिचार्ज नहीं है अवेलेबल वाटर को उस हिसाब से यूज करना जो अवेलेबिलिटी है उससे उसकी अवेलेबिलिटी से ज्यादा उसको यूज कर लेना ज्यादा एक्सप्लायट कर लेना वो फिर वाटर स्ट्रेस क्रिएट करता है वॉट इज द वाटर स्ट्रेस वन वाटर इज बींग यूज मोर देन इट्स रिचार्ज जितना वाटर अवेलेबल है या जितना रिचार्ज होता है उससे ज्यादा उसको यूज करें तो अल्टीमेटली वाटर स्ट्रेस पैदा होती है इन टर्म्स ऑफ द केस ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान इज द वाटर स्ट्रेस नेशन और हम आने वाले पांच से सात सालों में दुनिया की एडवर्स वाटर स्ट्रेस नेशन में होंगे कि दुनिया की उन कौमों में या उन मुल्कों में पाकिस्तान होगा जहां सबसे ज्यादा वाटर स्कैसिटी है ये सबसे ज्यादा वाटर स्ट्रेस है During the twentieth century water use grew at more than twice the rate of population increase. Twentieth centuries make water you have population rate ka jigitney population increase twice the rate of water you use available. But in present पॉपुलेशन प्रेशर ज्यादा है और वाटर का रिचार्ज कम है मैक्सिमम वाटर यूज कर रहे हैं और मिनिमम वाटर जो है वो रिचार्ज हो रहा है द वाटर सप्लाई प्रॉब्लम मुख्तलिफ तरह की है द फर्स्ट वन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ वाटर स्टोरेज एंड डिलीवरी इज इनएडकेट स्पेशली इन सिटीज दैट आर एक्सपीरियंस रेपिड एक्सपेंशन के जो वाटर सप्लाई के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिसमें वाटर को स्टोर किया जा सके वाटर को महफूज किया जा सके वो उस तरह से नहीं है जैसे होने चाहिए लाहौर की एग्जाम्पल लें तो पिछले आठ सालों में लाहौर शहर की आबादी डबल हो चुकी है वाटर का जखीरा जो रिसोर्सेज हैं इन टर्म्स ऑफ द वाटर इकोलॉजी वो वही है जो अवेलेबल है बल्कि उसपे पॉपुलेशन का प्रेशर जो है ऊपर से वो ज्यादा पड़ गया है नेचुरल वाटर का जो रिचार्ज का सोर्स था वो रवि था रवि ऑलरेडी ड्राई है ड्यू टू द इंडस्ट्रीटी दिस इज ऑल्सो सोशल एंड ह्यूमन डायमेंशन दिसकल डायमेंशन क्योंकि जो वाटर ट्रिटीज होते हैं ये मैन मेड अरेन्जमेंट है ये इंसानों ने बनाया है तो ये नेचुरल अरेन्जमेंट नहीं है तो जो लाहौर का जो नेचुरल रिचार्ज का सोर्स है वो ऑलरेडी डिस्टर्ब है रिचार्ज नहीं हो रहा ऊपर से पॉपुलेशन पिछले आठ सालों में डबल हो गई है अब जो सिटीज की एक्सपेंशन के साथ वाटर की स्टोरेज के जो मैकेनिज्म होने चाहिए वो ऐसे नहीं है फॉर एग्जाम्पल जब बारिश आती है बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए कि तो बहुत बड़े बड़े वाटर की झीलें बनाई जाए पॉइंट बनाए जाए तो शहर के अंदर कि जहां साफ पानी बारिश का जो वो इकट्ठा हो सके वहां खड़ा रहे और नेचुरल जो है सीपेज हो और उससे वो सक कर ले जमीन और रिचार्ज हो जो ग्राउंड वाटर है जो यूज किया जा रहा है पीने के लिए नहाने के लिए पकाने के लिए गाड़ियां धोने के लिए सो so, दूसरी साइड पे उसका रिस्पॉन्सिबल यूज भी किया जाए वाटर गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जाए जब वाटर गवर्नेंस इंप्रूव होगी तो वाटर कंजर्वेशन भी होगी सो वाटर इज अ प्रीशियस रिसोर्स दिस इज नॉट अ कमोडिटी अ रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ वाटर कैन लीड टू सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर इन लाहौर एज वेल एंड अक्रॉस द ग्लोब पूरी दुनिया में जहां भी वाटर का स्ट्रेस है प्रॉब्लम है उसका अल रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ वाटर है और दूसरी तरफ, तरफ ऐसे वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सिस्टम बनाना उसकी एक और दूसरा पहलू है कि वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बड़े शहरों में रेपिड ग्रोथ के साथ जब वाटर स्ट्रेस होती है तो उनमें बिल्डिंग के जो डिजाइन है ऐसे बनाना कि उनकी रूफ टॉप्स पे छतों पे बारिश का पानी इकट्ठा है तो ज्यादा देर के लिए स्टे कर सके उसको इंजेक्ट करना बोर करना बोरिंग करके तो उसको जेर जमीन पानी उसमें इंजेक्ट करना कि वो साफ पानी जो जेर जमीन पानी के साथ मिल सके और मैक्सिमम जो है वो वाटर को स्टोर किया जा सके और जमीन में इंजेक्ट किया जा सके टू इनहेंस टू रिवर्स द डिप्लेशन टू रिवर्स द स्ट्रेस वाटर स्ट्रेस सेकेंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सिटीज आर ऑल कंपिटिटर्स फॉर द सेम लिमिटेड वाटर सप्लाईज वाटर अवेलेबल है उसको यूज करने के लिए लोगों ने अपनी जरूरतों के लिए हाउस होल्ड लेवल पे यूज करना है एग्रीकल्चर सेक्टर में उसका मैक्सिमम यूज है उसकी कंजर्वेशन की स्ट्रेटेजी नहीं है बल्कि एग्रीकल्चर के यूज की वजह से वाटर स्ट्रेस बढ़ रही है फ्लड इरिगेशन है के पानी ट्यूबवेल से निकाल के ऐसे फसलों को लगाया जाता है कि जिसमें पानी को बचाने वाली कोई सेंस या अवेयरनेस ही नहीं है दूसरी साइड पे क्रॉप्स ऐसी जो ज्यादा पानी लेती हैं अगर उनसे अवॉइड कर लिया जाए कुछ ऐसी क्रॉप्स जो है उस पर एग्रीकल्चर को शिफ्ट किया जाए जो कम पानी वाली है तो दैट इज एन अदर साइड इंडस्ट्रीज एंड सिटीज इंडस्ट्रीज और सिटीज को इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा पानी यूज होता है लाइक स्पेशली इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड अदर इंडस्ट्रीज एज वेल इंडस्ट्रियल सिस्टम्स को चलाने के लिए वहां जो बहुत बड़े बड़े वार्म सिस्टम्स होते हैं उनको ठंडा रखने के लिए पानी यूज किया जाता है सो मैक्सिम यूज गोज टू द एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्री सो द इंडस्ट्रियल सोल्यूशन विद द मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड विद द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट विद विच में लीड टू द वॉटर कंजरवेशन जिसमें कम पानी की जरूरत पड़े ज्यादा स्मार्ट सोल्यूशन हो और लिमिटेड वाटर सप्लाई से काम गुजारा चल सके केस ऑफ वाटर प्राइवेटाइजेशन वाटर प्राइवेट वाटर इज नॉट कमोडिटी दिस इज अ प्रीशियस रिसोर्स वाटर को ऐसे नहीं होना चाहिए कि जहां जब चाहे जो चाहे और जितना मर्जी चाहे निकाल लें इसको रिसोर्स पे के तौर पे ट्रीट करना चाहिए क्योंकि पूरी जिंदगी जो है इंसान की वो पानी के ही गिर्द घूमती है पानी ही जिंदगी है इसमें करप्शन है कि वाट रिसोर्सिस की एलोकेशन है करप्शन है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं ऑन अदर साइड जो गवर्नमेंट के सिस्टम्स हैं डिपार्टमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे हमारे यहाँ वासज हैं उनके वहां जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके पास आउटडेटेड नॉलेज है वो अंडरस्टैंड ही नहीं करते इस क्राइसिस को इस इशू को हो ये इतना बड़ा चैलेंज आ गया है जिसको एड्रेस करना है पूवर मैनेजमेंट प्रैक्टिस है मैनेजमेंट प्रैक्टिस पुवर है कहीं वाटर मीटरिंग नहीं है कहीं कोई मेकनिज्म नहीं है कि कैसे वाटर को रिचार्ज करना है कितना वाटर वाटर का विदड्रॉल करना है गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज भी नहीं है कि अभी देखेंगे साउथ अफ्रीका में केपटाउन लाहौर की तरह का एक शहर था जहां लोग अंडरग्राउंड वाटर यूज करके तो अपनी गार्डनिंग करते थे लश् ग्रीन घर लॉन्स होते थे तो आज उस पूरे शहर में वाटर ड्राई हो गया ट्रंकरों में पानी आता है जो लोग पीते हैं तो जब गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं होंगी तो अल्टीमेटली चांसेस हैं कि डिजास्टर लाइक सिचुएशन ना बन जाए सो वाटर प्राइवेटाइजेशन जो है दैट इज इट्स ए चैलेंज टू द सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर एंड वाटर सप्लाई सिस्टम एंड द वाटर इकोलॉजी